हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई महानगर पालिका का 45,949 करोड़ रुपए का बजट पेश, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष जोर। मुंबई महानगर पालिका का 45,949 करोड़ रुपए का बजट गुरुवार को आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने पेश किया। चुनाव पूर्व इस बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर ध्यान दिया गया है। इस बजट में मुंबई वासियों के स्वास्थ्य के लिए 200 शिव योग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र की योजना का नाम बदलकर मुंबई में शिव योग केंद्र कर दिया गया है। मुंबई में कचरा पैदा करने वालों को यूजर चार्ज देना होगा। मुंबई के 3,500 रेस्टोरेंट को कचरे के लिए यूजर चार्ज देना होगा। मुंबई मनपा के बजट में BMC ने शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ा प्रावधान किया है। वर्ष 2022-23 का बजट 45,949.21 करोड़ और बकाया 8.43 करोड़ का बजट पेश किया गया। पिछले साल 39,038 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। आगामी होने वाले BMC चुनाव के मद्देनजर घोषित वर्ष 2022-23 का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पिछले साल की तुलना में इस साल बजट में 17.70% की वृद्धि हुई है। इस वर्ष 45,949 करोड़ का बजट पेश किया गया है। विकास योजना विभाग से 2000 करोड़ रुपए राजस्व का मिलने का अनुमान लगाया गया था। इसे संशोधित कर 14,750 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसलिए उसमें 12,750 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 500 वर्ग फुट या उससे कम में चटाई क्षेत्र FSI के आवासीय संपत्तियों के लिए रियायतें दी गई हैं। लगभग 16,14,000 नागरिकों को संपत्ति कर से 100% राहत दी गई है। नागरिकों को हर साल दी जाने वाली रियायतों की राशि 462 करोड़ होगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संपत्ति कर से प्राप्त अनुमति राजस्व 7,000 करोड़ रुपए से 4,800 करोड़ रुपए तक संशोधित कर दिया गया है। चुनाव से पहले मुंबई करों के लिए नई उपयोगकर्ता शुल्क की घोषणा। कचरा अधिक उत्पन्न करने वालों को शुल्क देना होगा। उपयोगकर्ताओं से प्रति वर्ष 174 करोड़ रुपए शुल्क का लक्ष्य। मुंबई में तटीय सड़क GMLR, STP और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के पंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि। पिछले वर्ष की तुलना में पंजीगत व्यय में 56% की वृद्धि। पंजीगत व्यय 22,646.73 करोड़ रुपए है। मुंबई बजट में अभिनेताओं के लिए 2 नई योजनाएं। युवा फिल्म निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म कलाकारों के लिए बस शेल्टर अभियान। जागरूक टीवी की मुंबई से खास रिपोर्ट।